मैं तरुण टाले और ये हुंडई i20 एस था मॉडल। इस कार की प्राइस 8.8 लाख से शुरू होकर 10.7 लाख तक मिल जाते हैं एक शोरूम। और ये 10.7 लाख का मॉडल देख रहे एस था, जिसमें आपको LED मतलब DRS भी मिल जाते हैं और एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। सो आज इस वेरिएंट को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो वीडियो तक भाई एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, मतलब मिल जाए। और एक भाई बहुत सारे इसमें देखो फीचर्स भी है तो वो भी कवर कर लेंगे। इसमें आपको LED DRLs मिल जाते हैं और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, नीचे के फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं। सो इनको फर्स्ट शुरू करता हूँ। अच्छे दिखते हैं इसके इंडिकेटर्स और DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प। यहाँ पे आपको i20 का नाम भी लिख कर आता है। ये नीचे भाई ये कसर छोड़ दी, ये फॉग लैम्प है ना, ये इसका हेलोजन में, चलो भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। और ऐसी चीज़ आपको कुछ मिल जाती है अपनी क्रेटा जैसी, अल्कज़ार में आती है वैसी। लॉक अनलॉक होल्ड कर रखे तो बूट ओपन हो जाता है। और हॉर्न पता करने तो जब आपको स्किड प्लेट मिल जाती है पैनो ब्लैक फिनिश में। और ये हो गई इसका हिंदे के लोगो। आगे आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलता या फिर नंबर प्लेट के लिए जगह, ऐसी कुछ इसके DRLs। रात में तो भाई इसका गजब ही लुक है। और अगर पीछे से देखे इसके, देखे पीछे के टेल लाइट्स बिजली जैसे तरारे, मतलब ऐसा शेप में सही लगते हैं। और ये हो गया इसका पीछे का वाइपर, रियर डिफॉगर और हाई स्टॉप लैम्प, शार्प पिन एंटीना और हिंदाई को लोगो, एस तक की बैजिंग। इसमें आपको कैमरा यहाँ पे मिल जाता है नंबर प्लेट की जगह। और ये पीछे के रियर डिफ्यूज़र, मतलब सही है, इनकी क्वालिटी भी सही है। पीछे के रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की जगह। इस कार में आपको भाई सिर्फ 2 सेंसर मिल जाते हैं भाई, वो बहुत हो गए, अल्ट्रासोनिक मिल जाते। और i20 की बैजिंग सिल्वरिस मतलब क्रोम फिनिशिंग में, ऐसी कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। LED व्हील मिल जाते हैं। और इनके अगर प्रोफाइल देखो तो 195/55R16 की इसमें आपको LED व्हील मिल जाते हैं। 195 मतलब इसकी चौड़े टायर की हो गई, और 55 मतलब इतना ओके, और 16 व्हील्स मतलब 16 इंच के इसके एलॉयज हो गए ओके। और 4 बोल्ट्स मिल जाते हैं। नीचे भी आपको वही क्लैडिंग मिल जाती है। इसके डोर हैंडल्स से देखे तो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं। सिर्फ ड्राइवर साइड ही आपको ये केलेस फंक्शन मिल जाता है। और ऐसे बटन रिक्वेस्ट सेंसिंग वाला ये थर्ड विंडशील्ड हो गए, यहाँ पे आपको पूरी तरह से क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक। इसका जो फर्स्ट पिलर है वाइट है, सेकंड पिलर मैट ब्लैक में, ऊपर आपको सनरूफ मिल जाती है। हाँ भाई इस वेरियंट में आपको सनरूफ मिल जाते हैं, टॉप एंड वेरियंट है तो। इसके कुछ ऑटोमेटिक वाइपर्स हो गए। इस कार के आपको ओवरऑल लेंथ मिल जाते हैं 3995 mm, जो सही है फुल लेंथ हैचबैक है। इसके अगर कंपेरेटिवली देखें तो वेन्यू की भी उतनी आ जाती है सेम, लेकिन ये थोड़ी स्पेशियस गाड़ी है। और इसको जो विड्थ है वो आपको 1775 mm की मिल जाती है। और इसकी जो हाइट है वो 1505 mm के है। और इसका जो व्हील बेस है वो 2580 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस हमको 170 mm मिल जाती है, जो सिटी वाइज ठीक है यार, मतलब सिटी वाइज ठीक है, लेकिन ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत होगी। और अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखें तो आपको 37 लीटर की मिल जाती है, भाई थोड़ी कम है लेकिन चलो यार कोई नहीं। और अगर इसका बूट देखें तो आपको देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन मिल जाता है। 311 लीटर के इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको बोस का वूफर मिल जाता है। इस कार में आपको बोस के स्पीकर मिल जाते हैं भाई, मतलब इसकी साउंड क्वालिटी तो भाई नेक्स्ट लेवल ही है। और इसका पार्सल ट्रे हो गया। और ये ऊपर कुछ ऐसी फिनिशिंग की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट। इसकी स्टेपनी देखें तो आपको 185/65R15 मतलब 1 इंच कम मिलती है। स्टील व्हील अलग व्हील नहीं मिलते इसके अंदर, ऐसा कुछ किट हो गई इसके अंदर भी है। यहाँ पे आपको लैंप मिल जाता है, बूट लैंप, इससे बंद करने पर थोड़ा हेवी है, ऐसे इसका बोनट ओपन होता है। ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, इसमें आपको 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल DSC मिल जाते हैं। इसमें आपको ऊपर कोई भी कवर नहीं मिलता। और इसकी अगर प्रॉपर सीसी देखे तो 1197 cc का इसमें आपको इंजन मिल जाता है। इसकी अगर पावर देखे मैक्स पावर तो आपको 82 bhp मिल जाती है 6000 rpm पर। और अगर इसकी मैक्स टॉर्क देखे तो 115 Nm 4020 rpm पर मिल जाती है।
इस इंजन से आपको 20.35 kmpl की माइलेज मिल जाती है, कंपनी से ऑफर करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता इतनी मिल जाएगी। इसकी अगर ड्राइविंग रेंज देखें, मतलब एक बार फुल टंकी भरने से 753 किलोमीटर तक जा जाती है। इसके अंदर आपको कोई भी कवर नहीं मिलता, ये अपना वॉशर हो गया, भर सकते हैं। पीछे आपको इंसुलेशन मिल जाते हैं, मतलब इसके इंजन इतना साइलेंट है उसकी तो मुझे पर्सनली ज़रूरत नहीं लगी, और हुंडई को भी ज़रूरत नहीं लगी। ऊपर आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं देती सही है यार, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, पेट्रोल इंजन है तो ज़्यादा खास कर नहीं लगती। तो चलिए इसको बंद कर देते, ऐसा लगा दिया। चलिए कार के अंदर चलते हैं, या फिर इसका रिक्वेस्ट सेंसिंग हो गया। ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर। फर्स्ट इसमें आपको 8 वे एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, हाइट एडजस्ट में रिक्लाइन भी कर सकते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके अगर फैब्रिक देखें तो नॉर्मल से फैब्रिक में मिलते हैं, लेदर इसमें नहीं मिलता टॉप मॉडल होकर भी। ये भाई आवाज़ है ना, मुझे भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा चुभती है। सो कार के अंदर ही बैठना पड़ेगा फर्स्ट, तभी ये बंद हो जाएगी। सीट मैंने मेरे अकॉर्डिंग फिक्स कर ली। यहाँ पे आपको इंजन स्टॉप स्टॉप बटन मिल जाते हैं, एक मिनट ओके। यहाँ पे और ये इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो इसका फर्स्ट इंजन शुरू करते हैं, शुरू। सॉरी गाइस, इसमें आपको 11 इंच के टच स्क्रीन मिल जाते हैं ब्लू लिंक सपोर्ट के साथ। और ओके, नेविगेशन वॉल्यूम कंफर्म, ऐसे कुछ इसके अंदर आपको मिल जाते हैं ब्लू लिंक। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मैप, नेविगेशन, फोन, ब्लू लिंक, रेडियो, मीडिया, मैनुअल और बहुत सारी। और ये इसकी ऑटोमेटिक एसी। इसके जो मतलब स्विचेस है वो अलग ही डिज़ाइन में है, ऐसे ऊपर करोगे तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। ऐसे आप टेम्परेचर कर भी सकते हैं, 17 लो है। और एसी के कंट्रोल रियर फ्रंट, रियर फ्रंट दोनों ऑटो। और ये इसका स्टेयरिंग व्हील लेदर रैप में आपको मिल जाता है, और ये आपको सिल्वर शेप फिनिशिंग मिल जाते हैं। बॉटम कट इसमें आपको स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता, और ना ही इसमें पैडल शिफ्टर कोई मिलते हैं, वो इसके और अपर वेरिएंट में मिलते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो आपको फुली डिजिटल मिलता है, मतलब सिर्फ यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे आपको अपना डिजिटल मिलता है। इसका अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखे तो सही है, मतलब BMW के जो कार्स आते हैं उनके जैसे है, और इसका डैशबोर्ड भी सही है। और ये ऑटो डिमिंग वाला मिरर हो गया, इसका सनग्लास होल्डर, और ये इसकी सनरूफ भाई सीधे ओपन हो जाते हैं, और इतनी होती है क्या? ओके लास्ट इतनी होती है इसके। भाई ये भाई इसके अंदर अभी भी हेलोजन है यार, इतनी 12 लाख की कार है। और ये इसके ग्रैवल स्लो लुक के साथ नहीं फास्ट है, और इसका सनवाइजर देखे तो आपको टिकट होल्डर के साथ मिल जाता है, और इधर का देखे तो आपको वारंटी मिरर प्रोवाइड करते हैं। और इसको जो एसी मतलब जो अपना कंपार्टमेंट है वो आपको लगभग अर्टिगा जैसे है, प्लेन प्लेन एसी वेन्स कुछ ऐसे आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ व्यू, इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, या फिर मोबाइल चार्ज करने के लिए USB की हो गए, या फिर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाते हैं एस्टा वेरिएंट में। और ये इसका 5-speed का मैनुअल गेयरबॉक्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है, ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिलते। यहाँ पे होगी इसके और व्हील्स के कंट्रोल, इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड, लॉक अनलॉक, वन टच डाउन और वन टच अप विथ एंटी पिंच, लेकिन मैं हाथ नहीं डाल रहा, मुझे रिस्क नहीं लेनी भाई। इस कार में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है, सो भी आपको कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है। और चाइल्ड सेफ्टी होगी, मतलब पावर विंडो लॉक करने के लिए। इसके सिल्वर स्पैनिश में ये जो पार्ट है ये आपको हार्ड ही मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके डोर ओपनर देखे तो आपको ब्लैक में मिल जाते हैं, पैनो ब्लैक कह सकते हैं। इसमें आपको 6 स्पीकर मिल जाते हैं, 4 स्पीकर अपने डोर पर, और ये दो हो गए ट्यूटर। बोस के स्पीकर है तो भाई इसकी क्वालिटी सही है।
क्या ही कर रहे हैं इस क्वालिटी का। इसके अंदर आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है और इसका आर्म रेस्ट छोटा सा, इसके अंदर यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे मिल जाता है इसका एयर प्योरीफायर। और ये इसका कुछ आर्म रेस्ट के अंदर स्पेस, इसका हैंड ब्रेक हो गया मैन्युअल। ये इसका कूल ग्लो बॉक्स, इसके अंदर आपको लाइट नहीं मिलती। और इसके सीट्स देख रहे हो आपको पूरी तरह से ब्लैक मिलते हैं, हेडरेस्ट यहाँ पे हो गए, ऑटो डिपिंग वाले फंक्शन। सो आगे का कवर कर ले, अब सर चलते हैं कार के पीछे। ऐसे इसके डोर्स, आपको पीछे कोई भी सनसेट का ऑप्शन नहीं मिलता। ओके, यहाँ पे हो गई इसके बोस की बैजिंग, पावर विंडो के कंट्रोल, डोर ओपनर हो गया, रेयर एसी मिल जाते हैं, ये एक सही लगा। यहाँ पे फोन रखने के लिए जगह, ये चार्जिंग सॉकेट, इसका हम बड़ा है। ओके, इसका हम लगभग 3 इंच तक बड़ा है। अगर इसकी सीट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, लेकिन कप होल्डर नहीं मिलता। ये भाई कसर छोड़ दी, और ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो गए, 60-40 स्प्लिट ने वैसे पूरी तरह से फोल्ड हो जाते हैं। और ऊपर सनरूफ होने के वजह से यहाँ पे इसका बड़ा सा ये मतलब प्लेन रूफ नहीं है, ऊपर ऐसा यहाँ पे नीचे थोड़ा हम्प भी दिया गया है। और सिटिंग पोजीशन देखे तो सही यार, मुझे मेरी 6 फीट हाइट है और मेरे मैंने अकॉर्डिंग सीट्स भी एडजस्ट कर ली, लेकिन देखो अभी भी इतना सारा स्पेस मिल जाता है। थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं लगा, या फिर मैं ज़्यादा बड़ा हूँ इसलिए। जो भाई 5.8 तो बंदे तो भाई वो आराम से बैठ सकते हो कि इस कार में, ऐसे कुछ नहीं। हेडरूम भी भाई इतना इतना बच रहा है, मेरी हाइट ज़्यादा है तो इसलिए। और इसमें आपको आयोसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी की मिल जाती है। यहाँ से कुछ आगे का डैशबोर्ड, टच स्क्रीन हो गई ऐसी कुछ। और अगर सेफ्टी वाइज देखें इस कार में तो आपको 2 एयरबैग्स, TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, CVD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, हजार्ड वार्निंग, ऐसे आपको बड़े फीचर्स मिल जाते हैं। SOS का बटन, लीविंग टो करने के लिए सिर्फ आपको वो बटन दबाने, अपने आप बंदे आ जाएंगे। ये थी भाई i20 S का मॉडल, आपको कैसे लगे भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके कुछ अलॉयज हो गए। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।